द फू मॉड्यूल एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ माइनस हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या डिफरेंस है तो क्वेश्चन सेवन को आप देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू आप ध्यान से देखिए यहाँ ये भी मॉड्यूलस फंक्शन ये भी मॉड्यूलस फंक्शन और दो मॉड्यूलस फंक्शंस का जो सम है वो भी क्या होता है एक मॉड्यूलस ये भी कंटीन्यूस और ये भी कंटीन्यूस बिकॉज वी नो दैट कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो एवरी वेयर कंटीन्यूस होते हैं और दो कंटीन्यूस फंक्शंस का जो सम है वो भी हमेशा क्या होता है कंटीन्यूस होता है यानी हम कहेंगे कि एफेक्स इज कंटीन्यूस एवरीवेयर केवल डिफ्रेंसियबिलिटी चेक करनी है और डिफरेंसियबिलिटी के लिए भी ना हम फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं अब ब्रेक करने का तरीका क्या है कि जो भी मॉड्यूल के अंदर पार्ट दे रखा है उसको जीरो के इक्वल रखिए यानी एक्स को जीरो के इक्वल एक रखा एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल रखा तो दो वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की यहाँ पे आ गई एक तो आ गई जीरो और एक आ गई टू हमारे पास अब सबसे पहले छोटी वाली वैल्यू ले लो वेन एक्स इज लेस देन जीरो x इज लेस देन जीरो और हम ये जानते हैं कि यदि मॉड्यूलस के अंदर से नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम बाहर एक माइनस साइन लगाते हैं जब आपका x जीरो से छोटा होगा तो यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा यानी ये माइनस में ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से भी नेगेटिव साइन आएगा तो ये भी माइनस में ब्रेक हो जाएगा जब मॉड्यूलस के अंदर से नेगेटिव साइन आ रहा है तो मॉड्यूलस के बाहर आपको माइनस साइन लगाना है तो माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस टू यानी माइनस टू एक्स प्लस टू और जब एक्स जीरो से बड़ा और टू से छोटा होगा तो यहां तो देखिए ये ये तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी में ब्रेक हो जाएगा ये नेगेटिव रहेगा तो माइनस एक्स माइनस टू यानी आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस एक्स प्लस टू यानी कि टू आ गया और यहां पे आया है माइनस टू एक्स प्लस टू और जब एक्स आपका टू से बड़ा होगा वेन एक्स इज ग्रेटर देन टू दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे तो फंक्शन आ जाएगा टू एक्स माइनस टू अब हमें डिफ्रेंसीएबलिटी इसकी चेक करनी है एट देखिए x लेस देन जीरो पॉलिनोमियल डिफ्रेंसीएबल होगा जीरो से टू के बीच में कॉन्स्टेंट है डिफरेंसीएबल होगा टू से बड़ा ये एक पॉलिनोमियल है तो डिफरेंसीएबल होगा यानी सभी पॉइंट्स पर डिफ्रेंसीएबल है केवल जीरो और टू पर हमें ये चेक करना है कि ये जीरो और टू पे डिफ्रेंसीएबल होगा या नहीं होगा तो हम इसको चेक करते हैं एट जीरो एंड टू की ये डिफ्रेंसीएबल है या नहीं है नाउ एट चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर आप एल एच डी निकालेंगे जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो पर एल एच डी के लिए फंक्शन होगा जहां पे एक्स लेस देन जीरो है यानी माइनस टू एक्स प्लस टू तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस और ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स प्लस टू और इसी फंक्शन में आप जीरो रखेंगे यहीं पे जीरो रख दोगे तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस टू अपॉन एक्स अब यहाँ पे आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस टू और अपॉन में है x लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस और यहां पे है हमारा माइनस का टू एक्स अपॉन एक्स ये कैंसिल हो गया तो एल एच डी जो है वो आ गया माइनस का टू अब आर एच डी हम इस पर निकालेंगे आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव तो जीरो पॉजिटिव के लिए यानी जीरो से बड़ा जब है तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो तो एफ एक्स क्या है आप समझें कि जब जीरो से बड़ा है तो एफ एक्स है हमारा टू तो जो एफ एक्स है वो है टू तो एफ एक्स हो गया टू और एफ जीरो भी आप निकालोगे तो वो भी टू और अपॉन में एक्स यानी ये हो गया जीरो क्योंकि यहां आपका को एक्स की वैल्यू नहीं है तो ये सीधा टू ही रह जाएगा तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी नॉट डिफरें पर डिफ्रेंसियबल नहीं है एंड इसके बाद आर एच डी निकाल आप एट एक्स इज इक्वल टू टू करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू टू तो यहां पे एल एच डी लिमिट x टेंस टू टू माइनस एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू तो यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंस टू टू माइनस टू से छोटा फंक्शन क्या है टू है और एफ टू भी टू ही आ जाएगा अपॉन एक्स माइनस टू ये हो गया जीरो आपका और आर एच डी निकालोगे आप यहाँ पे लिमिट x टेंस टू टू पॉजिटिव फंक्शन है आपका टू एक्स माइनस टू माइनस एफ टू एफ टू यानी यहां पर रख दोगे टू टू जो माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव टू एक्स माइनस टू माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू ये हो गया माइनस का फोर अब यहां से टू कॉमन ले लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव यहां से टू कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू यहां पे आ गया टू आपका एल एच डी जीरो आर एच डी टू सो एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी सो नॉट डिफ्रेंसिएबल तो आप चेक करें कि जो हमारा फंक्शन था वो कंटिन्यूस एवरीवेयर था नॉट डिफ्रेंसीएबल जीरो पे भी नॉट डिफ्रेंसीएबल क्योंकि जो एल है वो आया हमारा माइनस टू जीरो और जीरो और टू तो किसी पर भी एल एच डी आर एच डी इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इज इक्वल टू टू तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल आप बोलें सर क्या एक नंबर में इतना बड़ा हम इसे करेंगे नहीं आपने फंक्शन को ब्रेक कर लिया अब आप एफ डैस एक्स निकाल दो यहीं पर यहीं पर एफ डैस एक्स निकाल दो वेन एक्स इज लेस देन जीरो ये आ गया माइनस टू और जब x आपका जीरो से टू से छोटा है तो आ गया जीरो और यहां पे आ गया टू अब आप चेक कर लो भाई एल एच डी जीरो से जब छोटा है तो एल एच डी आ गया आपका कहाँ गया माइनस का टू और आर एच डी आ गया जीरो टू पर एल एच डी आ गया जीरो और आर एच डी आ गया टू डायरेक्ट मिल गया ना नॉट इक्वल तो आप कह देंगे नॉट डिफरेंशिएबल और अगर ये क्वेश्चन बड़ा सॉल्व करने के लिए आ जाता है तो फिर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे वन मार्क में आ रहा है डायरेक्ट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन कर लो और फिर वहां से पता चल जाएगा